के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर पिंक सिटी जयपुर गेट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग और वाइजैग हैज ऑल द पोटेंशियल टू तो बी एज जियो हेरिटेज पार्क एक्सपर्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के भारतीय विरासत एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं संभावनाएं। भारत संस्कृति कला और विरासत का पहले से ही केंद्र रहा है बात चाहे भाषा की हो धर्म की त्योहार की संगीत की इमारतों की किसी भी प्रकार की कला की या बात फिर पहनावे की ही क्यों ना हो भारतीय संस्कृति हमेशा से ही परिवर्तन और निरंतरता जैसी विशेषताओं को सहेजे हुए है बीते दिनों सांस्कृतिक स्थल के रूप में भारत के द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है यूनेस्को ने यूनेस्को विश्व विरासत समिति के 43वें सेशन के दौरान पिंक सिटी जयपुर को यह दर्जा दिया वहीं दूसरी तरफ विशाखापत्तनम में जियो हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया जिसका मकसद जियोलॉजिकल हेरिटेज के बारे में जागरूकता फैलाना है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स ऐसे एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों का प्रबंधन किया जाता है ऐसे में सवाल है कि भारत में सांस्कृतिक विरासत की बहुलता होने के बावजूद क्या हम इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर पाए हैं साथ ही क्या भारत सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन के क्षेत्र में लाने में पीछे तो नहीं रह गया तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और, और सरकार की अनदेखी के चलते ये सवाल भी मन में कौंधना लाजमी है कि कहीं सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में चूक तो नहीं रही है लेकिन इन सब से पहले ये जानना जरूरी है कि सांस्कृतिक विरासत क्या है आइए इस आर्टिकल के जरिए इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या है सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है हम अपने पूर्वजों से कुछ सीखते हैं और उन्होंने अपने पूर्वजों से कुछ सीखकर उसमें विचार, नए विचार नई भावनाएं जोड़ी होंगी और इसी तरह कुछ अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया होगा इस तरह कुछ नए विचारों और नवाचार के साथ संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं यह विरासत कई स्तरों पर हो सकती है जैसे मानवता ने संपूर्ण रूप में जिस संस्कृति को विरासत के रूप में अपनाया उसे मानवता की विरासत कहते हैं एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं सांस्कृतिक विरासत में वे सभी पक्ष या मूल्य सम्मिलित हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं ये मूल्य पोषित संरक्षित और सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि अपनी अगली पीढ़ी को सौंपे जा सकें ताजमहल दिलवाड़े का जैन मंदिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सांस्कृतिक विरासत के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं वास्तु संबंधित इन रचनाओं इमारतों शिल्पकृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां दर्शन ज्ञान के ग्रंथ वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी विरासत का ही हिस्सा हैं जैसे योग दर्शन भारत की प्रगाढ़ सांस्कृतिक विरासत का ही एक हिस्सा है असल में संस्कृति परिवर्तनशील होती है जबकि विरासत परिवर्तनशील नहीं है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हम सभी संस्कृति या निश्चित समूह से संबंध रखते हुए भी दूसरे समुदाय या संस्कृति से सांस्कृतिक गुणों को ले सकते हैं लेकिन हमारा जुड़ाव भारतीय सांस्कृतिक विरासत के साथ नहीं बदलता हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमें भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथ जैसे वेद उपनिषद द्वारा आपस में जोड़ने का काम करती है दूसरे शब्दों में कहें तो यह संस्कृति ही है जो बहुत से संगठनों और रचनाओं को उत्पन्न करती है जिससे समाज में विविधता आती है और यह विविधता ही भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान है लेकिन सांस्कृतिक विरासत के अर्थ को समझने के साथ साथ हमें इसके प्रकारों पर भी नजर डालनी होगी तो आइए अब सांस्कृतिक विरासत के प्रकार और विरासत चक्र के बारे में जानते हैं सांस्कृतिक विरासत को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटकर देखा जा सकता है पहला बिल्ट हेरिटेज जैसे इमारतें स्थापत्य कला इत्यादि दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे ग्रामीण लैंडस्केप शोर लाइन्स आदि और तीसरा कलाकृतियों से संबंधित सांस्कृतिक विरासत जैसे किताबें दस्तावेज चित्रकला इत्यादि इसके अलावा इसे मूर्त और अमूर्त में बांट भी समझा जा सकता है विरासत न केवल मूर्त रूपों जैसे कि कलाकृतियों इमारतों या परिदृश्यों के माध्यम से प्रकट होती है बल्कि अमूर्त रूपों के माध्यम से भी प्रकट होती है अमूर्त विरासत में मूल्य परम्परा मौखिक इतिहास इत्यादि शामिल हैं आज हम मूर्त विरासत को अमूर्त विरासत से जोड़कर देखते हैं संरक्षण परियोजनाओं में हम मूर्त के साथ साथ अमूर्त विरासत को संरक्षित करना चाहते हैं साइमन थर्ले ने 2005 में विरासत चक्र को समझाते हुए ये बताया कि कैसे इसके द्वारा हम अपने बीते हुए को अपने भविष्य के लिए उपयोगी बना सकते हैं उनका कहना था कि जैसे जैसे लोगों में सांस्कृतिक विरासत की समझ बनती है वैसे वैसे वो उसके महत्व को समझते हैं जिसके चलते लोग उसका संरक्षण करना चाहते हैं यह संरक्षण लोगों में उत्साह और खुशी का संचार करता है जो लोगों में इसे समझने की ललक पैदा करता है जो पुनः इसके महत्व को बताता है इस तरह सांस्कृतिक विरासत का एक चक्र चलता है अब आइए सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर नजर डालते हैं सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत विरासत चक्र द्वारा विरासत्य के महत्व को कुछ हद तक हम समझ चुके हैं इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत का राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक महत्व तो है ही साथ ही सांस्कृतिक विरासत द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना भी आसान हो जाता है बात राजनीतिक महत्व की करें तो कृषि कार्य के आरंभ के साथ वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल और मुगल से लेकर ब्रिटिश काल यहाँ तक कि उसके बाद भी लगातार सांस्कृतिक विरासत का प्रसार और बढ़ोतरी हुई है देखा जाए तो राजनीतिक पद्धतियों के अलग अलग स्वरूप ने नई नई सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया जैसे किसी काल में वास्तुकला का विकास हुआ तो कहीं लिपि और भाषा का कहीं कृषि तो कहीं चित्रकला का बात सामाजिक महत्व की, की जाए तो सांस्कृतिक विरासत विश्वासों से जीवन की शैली से आध्यात्मिक पक्ष से भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी है यह हमें जीवन का अर्थ जीवन जीने का तरीका सिखाती है मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति मानव को मानव बनाती है सांस्कृतिक विरासत विश्व के जुड़ने से और अधिक समृद्ध होती जाती है इससे मानव न केवल अधिक व्यापक वैश्विक स्तर पर जीने लगता है बल्कि इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है इन सब से इतर अगर आर्थिक लाभ की बात की जाए तो सांस्कृतिक विरासत द्वारा इतिहास और नवाचार के साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन पर्यटन हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ाया जा सकता है जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास का एक बड़ा स्रोत बन सकता है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है वहीं दूसरी तरफ देशी पर्यटकों के माध्यम से एकीकरण की अवधारणा को बल प्रदान किया जा सकता है लेकिन जरूरी सवाल यह है कि क्या भारतीय सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध होने के बावजूद इसका उतना अधिक आर्थिक लाभ उठा पाई है जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न पर्यटन क्षेत्र को लेकर है आइए अब सांस्कृतिक विरासत और भारतीय पर्यटन को एक साथ देखते हैं इतिहास पर नजर डालें तो सांस्कृतिक विरासत ने धीरे धीरे आर्थिक विकास के पहिए को बढ़ाने में निसंदेह योगदान तो दिया है लेकिन इसमें रणनीति का अभाव शुरुआत से ही देखने को मिला है जहां एक और सिंगापुर जैसे देश बिना किसी मजबूत सांस्कृतिक पहचान के भी खुद की अर्थव्यवस्था की धुरी पर्यटन को बनाकर तेजी से आगे बढ़ गए वहीं तमाम तरह की विरासत और संस्कृतियों को सहेजे भारत उसका उस स्तर तक लाभ उठाने में दूर खड़ा दिखाई देता है साथ ही आज तक पर्यटन स्थल को सूचीबद्ध करने में भी भारत असमर्थ रहा है इसके अलावा जो सांस्कृतिक विरासत संबंधित पर्यटन स्थल सूचीबद्ध है उसका संरक्षण मरम्मत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान संबंधित सभी पहलू एक अलग ही कहानी कहते हैं जहां एक तरफ भूटान बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में कामयाब हुआ वहीं बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाला देश भारत इस क्षेत्र में न तो अपनी पहचान बना पाया और न ही इसके लिए कोई तेजी से प्रसार करता दिखाई देता है जबकि हमें यह समझना होगा कि तमाम धर्मों को मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया में हैं जिन्हें भारत अपनी ओर पर्यटन के लिहाज से आसानी से आकर्षित कर सकता है गौर से देखा जाए तो स्थलों की कमी नहीं है कमी है तो क्रियान्वयन और प्रोत्साहन की हमें यह समझना होगा कि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिर और तट उत्तर का हिमालय पूर्व की सांस्कृतिक और जैविक विविधता और पश्चिम के रेगिस्तान व मध्य भारत का स्थापत्य कला में समृद्ध होना भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां भाषा से लेकर त्यौहार धर्म से लेकर खान पान स्थापत्य से लेकर संगीत और मौसम से लेकर जलवायु तक में विविधता की बहुलता देखने को मिलती है विरासत को सहेज कर आगे बढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है लेकिन इस ओर हमारा कम ध्यान चिंता की ऐसी लकीरें खींचता है जो माथे पर शिकन पैदा करती हैं आइए देखते हैं ये कौन सी लकीरें हैं और सरकार के कदम किस तरीके के हैं सबसे पहले हमें समझना होगा कि सांस्कृतिक विरासत के लिए हमें हर बार नई शुरुआत नहीं करनी पड़ती बल्कि हम पूर्व पीढ़ी के द्वारा किए गए काम को उपयोग में लाने तथा उस पर आगे और निर्माण करने में सक्षम होते रहे हैं जैसे आज हमें किसी नई लिपि की खोज नहीं करनी है ये सभी हमें विरासत में मिली हैं लेकिन इसमें कुछ जोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए इसे समृद्ध बनाना है लेकिन गौर किया जाए तो ताजमहल का प्रदूषण से जूझना वास्तुकला का खतरे में पड़ता अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त होती कला और संस्कृति इस बात का सूचक है कि हम इसे सहेज कर रख पाने में भी उतने सक्षम दिखाई नहीं देते इन सांस्कृतिक विरासतों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा है बावजूद इसके सरकार न तो इसे पर्यटन से जोड़कर ही बहुत कुछ कर पाई है और न ही इनके संरक्षण को लेकर किसी तरह की बेचैनी दिखाई देती है बीते दिनों सरकार ने भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए सत्रह आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स नामक पहल की शुरुआत की है जिसमें इस क्षेत्र में निजी निवेश पर जोर दिए जाने की बात कही जा रही है इस पहल के तहत विकास के लिए बनाए गए स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं केंद्रीय मंत्रालय एएसआई और राज्य सरकार के सहयोग से इन स्मारकों में हस्तक्षेप करेगा और सभी विकास योजनाओं में सार्वभौमिक पहुंच, स्मारकों की सफाई हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग व पर्यटकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्य करेगा इसी क्रम में अगर देखा जाए तो धरोहर गोदलो अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना को सताइस सितंबर दो को लॉन्च किया गया लेकिन इसके परिणाम इसकी धीमी गति को बताते हैं इसके अंतर्गत लाल किले को डालमिया समूह जबकि कुतुब मीनार और अजंता की गुफाओं को यात्रा ऑनलाइन द्वारा गोद लिया गया इसके अलावा केंद्र सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी हृदय प्रसाद और स्वदेश दर्शन जैसी योजना की शुरुआत की जो सरकार के द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरकार ने अब तक पंद्रह सर्किटों का चुनाव किया है हिमालयन सर्किट पूर्वोत्तर सर्किट ट्राइबल सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट रामायण सर्किट इको सर्किट सूफी सर्किट और आध्यात्मिक सर्किट इत्यादि स्वदेश दर्शन योजना के तहत चुने गए प्रमुख सर्किट्स हैं लेकिन इन सब के बावजूद सवाल जस का तस बना हुआ है कि अभी भी हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से उस हद तक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जिसकी संभावनाएं और अवसर बहुत अधिक है ऐसे में एक कुशल रणनीति और समझदारी का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है आइए अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो किसी भी समस्या से निपटने के लिए उस समस्या की प्रकृति और प्रकार को सबसे पहले समझा जाना जरूरी है और सांस्कृतिक विरासत संबंधित समस्या से निपटने के लिए तीन स्तर पर काम करने की आवश्यकता है सबसे पहले स्तर पर सरकार को हेरिटेज साइट्स को पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना होगा ताकि शहरी और क्षेत्रीय को इनसे जोड़कर आसानी से नीतियों का क्रियान्वयन किया जा सके। दूसरे स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण मरम्मत और सुधार कार्यों की ओर ध्यान देना होगा ताकि इसको सहेज कर आगे बढ़ना हमारे लिए आसान हो सके तीसरे स्तर पर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है ताकि इससे हम पूर्ण रूप से सामाजिक व्यावहारिक और आर्थिक लाभ उठा सकें उदाहरण के लिए देखा जाए तो पुष्कर और सूरज कुंड मेला विदेशियों के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है इसी तर्ज पर हमें हर स्तर पर काम करना होगा इसके अलावा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वय तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है हमें यह समझना होगा कि देश में पर्यटन रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का ऐसा तरीका है जो भविष्य में सुनहरा अवसर लिए हुए है साथ ही हमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े उपायों के लिए निजीकरण को गंभीरता से लेना होगा और इस पर विचार करना होगा ताकि अपनी मंजिल को पाने में आने वाली कठिनाइयों से आसानी से निपटा जा सके इन सब के अलावा राज्य और स्थानीय सरकारों को धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आगे आना होगा स्वच्छता की जरूरत को समझकर हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी अध्यात्म और मूल्य बोध पर आधारित जीवन शैली भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है पर इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है भारतीय नागरिक होने के नाते न ना केवल हमें इस विविधतापूर्ण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए बल्कि समय समय पर इसका अध्ययन कर विकास कार्यों को बढ़ावा देना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल सवाल है भारतीय सांस्कृतिक विरासत क्या है भारत में सांस्कृतिक विरासत की स्थिति का समालोचनात्मक अवलोकन कीजिए